आंदोलन शुरू किया, सड़क पर लोग उतरे, तो हमारी पार्टी ने भी समर्थन उस वक्त भी दिया और भारत बंद का जब आह्वान हुआ उसमें भी हमने समर्थन दिया। आज आवश्यकता इस बात की है कि बिहार में खासकर जहां हम लोग हैं, क्योंकि हरियाणा पंजाब के किसान, उत्तर प्रदेश के अधिकांश किसानों तक यह बात ठीक ठीक पहुंच गई है कि कानून से क्या नुकसान होगा, तो वहाँ के लोग सड़क पे हैं। बिहार में भी इसकी शुरुआत शुरू हुई है स्वतः स्फूर्त ढंग से। 26 जनवरी को कई जिलों में लोग सड़क पर आए स्वतः स्फूर्त, क्योंकि कोई उसके लिए प्रयास नहीं, कोई उस रूप में कार्यक्रम नहीं, फिर भी लोग सड़क पर आए। तो धीरे धीरे लोगों के बीच यह बात जा रही है, लेकिन एक कोशिश जो कानून के पक्ष में खड़े लोग हैं उनकी ओर से है कि लोगों को गुमराह किया जाए, किसानों तक सही चीज़ नहीं पहुंचने देने का प्रयास। मतलब इस कानून के बारे में हमारी पार्टी ने तय किया है कि इस कानून का सच क्या है, सरकार दावा क्या कर रही है और सच में इसका परिणाम क्या होगा, इससे किसानों को अवगत होना, आम किसानों को अवगत होना जरूरी है। और उसी दृष्टि से हमने तय किया है कि हम बिहार के तमाम गांवों में जाकर किसान चौपाल लगाएंगे। किसान चौपाल 2 फरवरी, जो शहीद जगदेव बाबू की जयंती का दिन है, उस दिन से हम इसकी शुरुआत करेंगे। बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों में जो कृषि कानून अभी बना है, जो बिल आया था पार्लियामेंट में, उसकी प्रति 2 फरवरी को जहां हम बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों में हमारे साथियों के साथ उपस्थित होकर जगदेव बाबू के चरणों में श्रद्धा सुमन भी अर्पित करेंगे और उस कानून की प्रति को वहां जलाएंगे। और उस दिन से इस कार्यक्रम की, किसान चौपाल के कार्यक्रम की शुरुआत होगी। पूरा फरवरी महीना 28 फरवरी तक, 2 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक हमारा कार्यक्रम यह चलेगा। और इस पूरे महीना में लगभग 10,000, हमने एक टारगेट फिक्स किया है कि 10,000 चौपाल हम लगाएंगे गांव में, अलग अलग जिलों में, प्रखंड में, तो पूरे बिहार में 10,000 चौपाल लगाएंगे, जहां किसानों को इकट्ठा करके और यह जो कानून है इसके बारे में लोगों को अवगत कराएंगे कि दावा सरकार का क्या है और सच क्या है, इससे लोगों को हम अवेयर करेंगे, लोगों में जागरूकता लाएंगे। तो इसलिए हमारा कार्यक्रम पार्टी की ओर से ही 2 फरवरी से 28 फरवरी तक किसान चौपाल का कार्यक्रम हमने तय किया है। मुख्य रूप से यही जानकारी आपको देनी थी इसके